हेलो गुड evening everyone. Welcome वेलकम बैक टू channel. चैनल स्टॉप रिफ्लेक्ट go. गो आई होप यू are आर फ़ाइन एट योर प्लेस तो बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं बच्चे झूठ अपनी सेल्फ डिफेंस में बोलते हैं ठीक है कभी पहले उन्होंने सच बोला होगा तो उनकी धुलाई होगी होगी है ना तो उनको लगा कि अभी ये फालतू का ड्रामा और ये फालतू की जो पिटाई होती है वो उसको अवॉइड करें और चलो अगर झूठ से काम चलता है तो झूठ ही बोल दें ठीक है ये बात एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी तो एक छोटा सा बच्चा है चार साल का वो अपनी मम्मा के पास आता है बोलता है मम्मा आई हेट माई ग्रैंड मदर मेरे को अच्छे नहीं लगते अपने ग्रैंड मदर तो उसकी मम्मा बोलते हैं नो no, ऐसे नहीं बोलते बड़ों की तो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे घर में तो बड़ों की रिस्पेक्ट होती है ऐसे नहीं बोलते तो फिर से बोलता है मम्मा आई हेट माई ग्रैंड मदर उसकी मम्मा बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते बेटा बड़े बड़ों को नहीं ऐसे बोलते बड़े बड़ों को हमेशा प्यार करते हैं तो फिर वो बोलता है मम्मा आई हेट माई ग्रैंड मदर तब उसकी मम्मा ना उसको पटका देती है एक ठीक है तो फिर वो बच्चा जो है उसकी टोन थोड़ी चेंज हो जाती है और वो अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा आई लव माई ग्रैंड मदर तो फिर उसकी मम्मा के फेस पे एक बहुत सुंदर सी स्माइल आ जाती है उसकी मम्मा उसको हग भी करते हैं उसको किसी भी करते हैं ठीक है ये इंसिडेंट्स हुआ पर इस इंसिडेंट्स से ये जो एक्सचेंज हुआ है कॉन्वर्जेसन जो बच्चे और माँ में हुई है इससे बच्चे ने क्या सीखा बच्चे ने पांच बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सीख ली वो हैं पहला बोलना मेरे लिए डेंजरस हो सकता है जैसे उसने झूठ बोला था मुझे ग्रैंड माँ अच्छे नहीं लगते तो उसको एक थप्पड़ पड़ गया था है ना दूसरा जब आप सच बोलते हो आपको पनिशमेंट मिलती है ठीक है उसने जब सच बोला कि मुझे अच्छे नहीं लगते तो उसको पनिशमेंट मिल गई थी ठीक है थर्ड जब आप झूठ बोलते हो तब आपको प्यार मिलता है जैसे उसने बोला कि मेरे को ग्रैंड माँ अच्छे लगते हैं तो उस तब उसकी मदर ने उसको हग्स एंड केसेस दिए थे ठीक है फोर्थ कि मम्मा को तो सिर्फ प्लेजेंट ट्रुथ ही पसंद है सिर्फ अच्छे ट्रुथ्स पसंद है मम्मा को है ना एंड फिफ्थ मम्मा को वही सुनाओ जो मम्मा सुनना चाहते हैं आप बच्चों से पूछ लो उनको पूछो कि क्यों आज आपको दादी मम्मा अच्छे नहीं लग रहे आज क्या किया उन्होंने जो आप इतना गुस्सा हो गए तो वो आपको बताएगा रीज़न बताएगा है ना तो वैलिड रीज़न देगा Uh, ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें ऑनेस्टी सिखानी है बच्चों को तो वी मस्ट बी रेडी टू लिसन द बिटर ट्रूथ्स ऑल्सो ठीक है हमें उनकी जो फीलिंग्स हैं वो जैसी भी हैं उनको एक्सेप्ट करना और सुनना आ, आना चाहिए तभी बच्चे ऑनेस्ट हो पाएंगे अपनी कॉन्वर्सेशंस में जब वो अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और एंड लेटर ऑन लेटर ऑन ऑल्सो इन लाइफ दिस विल हेल्प दम द मोस्ट जब बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा रिएक्शन ही ये डिसाइड करता है कि वेदर और वेदर नाट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्लीज़ डिटेल में आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट शेयर And do subscribe. Thank you, and good night, to everybody.